मध्य प्रदेश में स्थापित नेशनल पार्कों के प्रति देसी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक बहुत तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इनमें से एक है कान्हा नेशनल पार्क। ये पार्क वन संपदा, वन्य जीवों की प्रचुरता और जैविकी विविधताओं से लबरेज है। कान्हा नेशनल पार्क विलक्षण और अद्वितीय प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। कान्हा का संपूर्ण वन क्षेत्र वैभवशाली अतीत को आज भी संजोए हुए है। मंडला और बालाघाट जिले की सीमा से लगा ये पार्क प्राकृतिक और पर्यावरणीय गौरव के लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से इसका नाम देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्कों में शुमार है। राष्ट्रीय उद्यान और बफर जोन वन मंडल कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों वन मंडल का क्षेत्रफल 940 और 1134 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय उद्यान में 91,743 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में अधिसूचित है। टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी गणना आकलन 2020 के अनुसार यहां 118 बाघ और 140 तेंदुए मौजूद हैं। बाघों में 83 वयस्क और 35 शावक बाघ हैं। इसके अलावा जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, स्यार, भेड़िया, भालू, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, कौर, चीतल, बारासिंगा, सांभर, मोर प्रजाति के अन्य वन्य जीव भी उपलब्ध हैं। साथ ही स्तनधारियों की तकरीबन 43 प्रजाति, पक्षियों की 325, सरीसृप की 39, कीट की 500, मकड़ी की 114 और पतंगों और तितलियों की भी अनेक प्रजाति पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं।